हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2024 और आज के 12 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, सोलंग नाला में सीजन की पहली बर्फबारी, अटल टनल रोहतांग से आवाजाही बंद। रोहतांग, कुंजुम, शिंकुला और बारालाचा दर्रों में हुई ताज़ा बर्फबारी। हिमाचल में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, कड़ाके की ठंड से बड़ी दुश्वारियाँ। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रदेश में खराब रहेगा मौसम। तो न्यूनतम तापमान कहाँ पे कितना है वो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। ताज़ा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। रोहतांग दर्रा, अटल टनल, कुंजुम दर्रा, शिंकुला दर्रा सहित बारालाचा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में 1937 करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगे 10 नए उद्योग, 17 का होगा विस्तार। 2715 लोगों को मिलेगा रोजगार। टैबलेट कैप्सूल आई ड्रॉप्स का होगा उत्पादन, कोल्ड स्टोर भी बनेंगे। सीएम की अध्यक्षता में हुई एकल खिड़की स्वीकृत एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक। प्रोक्टर एंड गैम्बलर बनाएगा शैम्पू डिटर्जेंट पाउडर। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब मनाली से सियाचिन व अन्य ग्लेशियरों की हलचल पर नज़र। स्नो एवलॉन्च सेंसर की निगरानी को देश की पहली प्रयोगशाला शुरू। हिमस्खलन, बाढ़ की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना हुआ आसान। बाढ़ जैसी घटनाओं के पूर्वानुमान से आपदा में नुकसान कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट अपडेट ये रहेगी, बिना बर्फ कम तापमान में भी पूरे हो जाएंगे चिलिंग आवर्स। सेब की अच्छी फसल के लिए 7 डिग्री से कम तापमान के 1100 घंटों की ज़रूरत। तो प्रगतिशील बागवान बगीचों में लगाए वेदर स्टेशन से माप रहे चिलिंग आवर्स। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, वीकेंड पर शहर सैलानियों से गुलजार, बाजारों में छाई रौनक, होटलों में 60% तक कमरे हुए बुक। 60% गिरा विंटर टूरिस्ट सीजन। तो राजधानी में वीकेंड पर शनिवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिमला में बाहरी राज्यों से वाहन पहुंचने शुरू हो गए थे और शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। शहर के होटलों में कमरों की बुकिंग भी इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, घटते नामांकन के कारण ऊना के निजी विश्वविद्यालय को बंद करने की तैयारी। तो शिक्षा विभाग ने 5 साल के नामांकन और घट रही संख्या पर मांगा जवाब। निजी शिक्षण विनियामक आयोग ने विश्वविद्यालय को बंद करने का भेजा है प्रस्ताव। नेक्स्ट अपडेट ये रही, राशन डिपो में अब सस्ता साबुन और हेयर ऑयल भी खरीद सकेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों पर जो है अब जो है फरवरी से हेयर ऑयल और नहाने वाला साबुन सस्ती दरों पर मिलना शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहली बार इस तरह के उत्पादों के लिए 2 बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध किया था। प्रदेश के सिविल सप्लाई के सभी 120 गोदामों में मांग के अनुसार डिपुओं में तेल और साबुन की सप्लाई करना शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ। पाठ्यक्रम बनाने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, 6 महीने में देगी अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, घुमारवीं में खुली पहली स्पेस लैब में सिखाएंगे ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी। टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाए जाएंगे सूर्य पर ब्लैक स्पॉट। तकनीकी शिक्षा मंत्री धर्माणी ने किया 10 लाख से बनी लैब का उद्घाटन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, लापरवाही, कई बार आगाह करने के बावजूद संस्थानों ने विद्यार्थियों के बैंक खातों से नहीं जोड़े आधार नंबर। छात्रवृत्ति के लिए गंभीर नहीं 10,347 विद्यार्थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खुलवाने की अपील। तो यहाँ पे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित 10,347 विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति लेने के लिए गंभीर नहीं है। कई बार आगाह करने के बावजूद जो है प्रदेश और बाहरी राज्यों में स्थित सरकारी निजी संस्थानों ने विद्यार्थियों के बैंक खातों से आधार नहीं जोड़े हैं। इस कारण जो इनकी जो छात्रवृत्ति है उस पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पे देखें तो विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 की पोस्ट एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।